छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पैतृक गांव जोगीसार में परंपरागत नवाखाई के आयोजन को उनके पुत्र छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपने जोगी निवास जोगीसार में आयोजित किया, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी ऋचा जोगी भी मौजूद रही। नवाखाई के आयोजन में हजारों की संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे। ऐसा पहली बार था जब स्वर्गीय अजीत जोगी के निधन के बाद नवाखाई का आयोजन जोगीसार में किया गया था, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने भी शिरकत की। अमित जोगी से जब पत्रकारों ने पूछा कि इस कार्यक्रम में जोगी कांग्रेस के वह चेहरे भी दिख रहे हैं जो उन्हें छोड़कर कांग्रेस भाजपा में चल दिए थे, तो अमित जोगी ने कहा कि मरवाही क्षेत्र एवं जोगी परिवार के बीच का जो संबंध है वो पार्टी वाला संबंध नहीं हो रहा है, वो पारिवारिक संबंध हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी नई बात है, यह पारिवारिक कार्यक्रम था। इस पर सभी लोग अपनी पार्टी की जो संबंधता है उससे उठकर सब परिवार के सदस्य हैं, सब लोग आए और दलों के साथ भी दिलों का भी मेल हुआ। हमार ताई दीदी बहनी मन के, हमार किसान मन के, मजदूर मन के हाथ होते वो कभी अनाथ नहीं हो सके। और हमार ऊपर जोगी जी के आशीर्वाद है, जोगी बाबा के आशीर्वाद है। आज बड़ा खुशी के त्योहार है, नवाखाई के त्योहार है। इस साल खूब बढ़िया फसल हुए हैं, तेकर बर में आप जम्मो बनना नवाखाई तिहार के अपन कोती ले, अपन परिवार मोर सुवारी आए हैं, मोर बाबू घलो आए हैं। कहाँ है जी? वहाँ बैठे अयान नाम है, अयान अजीत जोगी वो आए हैं। पहली बार अयान को लेके आओ, पहली बार यहाँ आए हैं, मेरे सब परिवार आए हैं। आगू बढ़ाए बार आज मैं जोगी बाबा के आशीर्वाद लेकर आए हूँ। आप जम्मो बनला, जय छत्तीसगढ़, जोगी बाबा की। देखिए, मरवाही क्षेत्र और जोगी परिवार के बीच का जो संबंध है वो पार्टी वाला संबंध कभी नहीं रहा है, वो एक पारिवारिक संबंध रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी नई बात है, ये पारिवारिक कार्यक्रम था। इसमें सभी लोग अपनी पार्टी की जो संबद्धता है उससे उठकर सब परिवार के सदस्य सब लोग आए और दलों का के साथ साथ दिलों का मेल भी हुआ। वो है भैया, बड़े पैमाने पे जोगी जी के बाद नहीं रहने के बाद बड़ी भीड़ आई है, क्या बात है? पापा हर साल नवाखाई त्योहार मनाते थे, सारे लोग इकट्ठा होते थे, जो नई फसल आई है उस धान का की मिसाई करके उसका उसके उसके खीर खाते थे। तो एक बहुत उत्सव का माहौल रहता था। उनके स्वर्गवास के, पापा के स्वर्गवास के बाद दो साल तक उस परंपरा का निर्वहन कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया। अब आज का दिन आया है, मैंने सोचा कि जो परंपरा पापा ने शुरू करी थी उसको आगे भी जारी रखा जाए। तो आज जोगीसार में उनकी स्मृति में हम लोगों ने नवाखाई का त्यौहार मनाया और पहली बार मैं अपने गांव जोगीसार अपने पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ सब परिवार आया हूं। तो विशेष रूप से लोगों में उत्साह था, सभी लोग आए, अपना आशीर्वाद दिया, अच्छा लगा। जोगी परिवार में आज वो सब चेहरे भी दिखे जो जिस तरीके से